बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल एट योर होम्स। सो डे स्टूडेंट्स, इन डे 21 एंड 22 वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास ए से आई तक पार्ट्स हैं, हम पहले उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं ए वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास 365 और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ठीक है। हम इनको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि हम सबसे पहले वंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वंस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे। हमारे पास है फर्स्ट 4, ठीक है। 4 5 सर हमारे पास 20 होता है, 0 इधर आएगा और 2 6 के ऊपर कैरी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 4 से 24, 24 में आप 2 ऐड करोगे तो 26 6 इधर आ जाएगा और 2 3 के ऊपर कैरी चला जाएगा। 4 3 से 12 12 में आप 2 ऐड करोगे तो 14, ठीक है। अब हम बी वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बी वाले पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 457 और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ठीक है। 3 7 जा 21 1 इधर आएगा और 2 5 के ऊपर कैरी चला जाएगा। 5 3 जा 15 15 में आप 2 ऐड करोगे तो 17 7 इधर आएगा और 1 कैरी चला जाएगा 4 के ऊपर, ठीक है। 4 3 जा 12 12 में आप 1 ऐड करोगे तो 13। अगर हमारे पास सी वाला पार्ट है, सी वाले पार्ट में हमें क्या करना है, 546 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है। 2 6 जा 12 2 इधर आ जाएगा और 1 4 4 जो है 4 के ऊपर 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8 और 1 इसमें ऐड करेंगे तो 9 5 2 जा 10 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास डी वाला पार्ट है, डी वाला पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 467, ठीक है। 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम वंस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14 4 इधर आएगा और 6 के ऊपर 1 कैरी चला जाएगा। 6 2 जा 12 12 में आप 1 ऐड करोगे तो 13, ठीक है। 3 इधर आएगा और 1 7 के ऊपर कैरी चला जाएगा, ठीक है। 2 7 जा 14 14 में आप 1 जो कैरी आया है उसको ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ई वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ई वाला पार्ट को आप सॉल्व करें, हमारे पास है 808 और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ठीक है। 5 8 जार 40, 0 इधर आएगा और 4 0 के ऊपर कैरी चला जाएगा। जब भी किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है और जो ऊपर हमारे पास अब कैरी आया है 4 वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 4। अब हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जार 40, एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब एफ वाला पार्ट है हमारे पास, एफ वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, 485, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम वंस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जार 25 5 इधर आएगा और 2 8 के ऊपर कैरी चला जाएगा। 5 8 जार 40 40 में आप 2 ऐड करोगे तो 42 2 इधर आएगा और 4 4 के ऊपर कैरी चला जाएगा। 4 5 जार 20, ठीक है। 4 5 जार 20 20 में आप 4 को ऐड करोगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब जी वाला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 194 और 9 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 9 4 जार 36 6 इधर आ जाएगा, 3 4 9 के ऊपर कैरी चला जाएगा। 9 9 जार 81 81 में आप 3 ऐड करोगे तो 84 4 इधर रहेगा और 8 1 के ऊपर जाके कैरी बन जाएगा, ठीक है। 9 1 जार 9 9 में आप 8 को ऐड करोगे तो 17, ठीक है। अब हम एच वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। एच वाले पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 268, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 8 जार 56 6 इधर आ जाएगा और 5 6 के ऊपर कैरी चला जाएगा। 6 7 जार 42 42 में आप 5 को ऐड करोगे तो 47 7 इधर आएगा और 4 जो है 2 के ऊपर कैरी चला जाएगा। 7 2 जार 14 14 में आप 4 ऐड करोगे तो 18। इसी तरह आई वाला पार्ट है हमारे पास 349, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 9 जार हमारे पास क्या होता है, 72 2 इधर आ जाएगा और 7 जो है 4 के ऊपर कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे 8 को 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 जार 32 32 में आप 7 को ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा हमारे पास। 9 इधर रहेगा और 3 3 के ऊपर कैरी चला जाएगा। 8 3 जार 24 24 में आप 3 ऐड करोगे तो 27। अब हम फर्दर मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है।